नमस्कार, कैसे हो आप? यहाँ पे दोस्तों टेक्नोलॉजी आए दिन हर चीज़ को बदलती जा रही है। मतलब ऐसा आपको लगता होगा कि आपके घर के अंदर, आपके आसपास के माहौल में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं। चाहे हो गया आपका टीवी, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, आपका गैस या आपका सिलेंडर। अब बात आती है पर सिलेंडर की, तो आप बोलोगे यार सिलेंडर में क्या टेक्नोलॉजी है? मतलब सिंपल सी चीज़ है, घर में आता है, उससे खाना बनाते हैं, बाथरूम जाते हैं, पेट हल्का करते हैं और यहाँ पे सिलेंडर का काम खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिलेंडर का काम खत्म नहीं होता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो अब घरों में घुसने वाली है सिलेंडर के थ्रू। कैसे, देखते रहिए वीडियो। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। देखिए, बात करें इंडिया में कि गैस सप्लाई कौन करता है एलपीजी सप्लाई के अंदर, तो यहाँ पे गिने चुने नाम है, जैसे कि हो गया एचपी या फिर हो गया आपका भारत या फिर हो गया आपका इंडियन, तो मतलब लोगों को याद है। लेकिन यहाँ पे एचपी काफ़ी टाइम से एक नई टेक्नोलॉजी में लगा हुआ था, काफ़ी टाइम से कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा था और अब उसको फाइनली गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गई। मतलब गवर्नमेंट से भी उसका काफ़ी टाइम से बहसबाजी चल रही थी, झगड़ा चल रहा था अपने नए सिलेंडर को इम्प्लीमेंट करने में, और फाइनली अब जाके उसको अप्रूवल मिल गया है इस नए सिलेंडर को इम्प्लीमेंट करने का। अब देखिए, एलपीजी गैस वही होता है जिस पर आप कुकिंग करते हो, खाना वाना बनाते हो। मतलब 30 किलो का वो सिलेंडर आता है जिसमें 14 किलो के आसपास का गैस होता है, आपको शायद बाकी सिलेंडर का वजन होता है। मतलब वो एक आयरन की या स्टील की बॉडी होती है, ठीक है। तो बेसिकली बात करें गैस की, तो बहुत ही फ्लेमेबल आइटम है, मतलब आग बहुत तेज़ी से पकड़ते हो, और यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट देखे गए इस एलपीजी सिलेंडर की वजह से। मतलब सिलेंडर फट जाते हैं या आग लग जाता है और उसकी वजह से जो नुकसान होता है, जो स्प्रेड होता है नुकसान, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंपनी जो है काफ़ी टाइम से पीछे लगी थी। यहाँ पे एचपी ने इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ नए टाइप के सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अब देखिए, सिलेंडर दिखने में कुछ ऐसे हैं तो मतलब बिल्कुल लाल पीले ऑरेंज कलर, अतरंगी कलर के यहाँ पे सिलेंडर आ गए हैं, तो मतलब घर के अंदर एक नई टाइप के सिलेंडर हैं, लुक भी अच्छी है इनकी। लेकिन लुक इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि नए सिलेंडर क्यों, मतलब आपके घर में जो लोहे के बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर है उसको निकाल के ये प्लास्टिक जैसा दिखने वाले सिलेंडर क्यों लगाएं? तो भैया देखो, सिंपल सी बात है, ये जो प्लास्टिक के सिलेंडर है ये बने हैं फाइबर टेक्नोलॉजी पे, फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी पे। तो जहां पे पहले पुराने स्टील के सिलेंडर 14.2 केजी गैस कैरी करते थे, अब ये जो सिलेंडर है ये आएंगे 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो के फॉर्मेट में। 14 किलो का नहीं है, लेकिन उसके रीजन है वो फ्यूचर में आ सकता है, फिलहाल 10 किलो भी काफी है। अब यहां पे बात करें कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सेफ्टी कैसे आती है इन सिलेंडर के साथ, तो देखिए यहां पे पहले जो आपके स्टील या लोहे के सिलेंडर होते थे वहां पे क्या है, धीरे धीरे उनमें जंग वंग लगती जाती थी और धीरे धीरे वो कमजोर होते जाते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे जो फाइबर वाले सिलेंडर आएंगे, अब इसके अंदर क्या है कि जंग लगने का कोई सवाल नहीं है, तो यहाँ पे कमजोरी आएगी नहीं सिलेंडर के अंदर, मतलब वो बिल्कुल मजबूत के मजबूत रहेंगे चाहे कितने भी साल हो जाए यहाँ पे। तो भैया वो है एंटी कोरोजन, वो है यूवी प्रोटेक्टेड और वो है ट्रांसल्यूसेंट। अभी यूवी प्रोटेक्शन चलो ठीक है, यहाँ पे फाइबर है तो समझ में आता है कि अल्ट्रावायलेट रेज गैस सिलेंडर के अंदर नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से भी बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं, सिलेंडर फट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें ट्रांसल्यूसेंट की, तो ये आपके लिए बहुत कमाल का फीचर है। वो क्या होता है कि देखिए, आपका सिलेंडर आपके घर में यूज हो रहा है तो बहुत बार आपको पता नहीं चलता, सिलेंडर खत्म हो जाता है, आप बोलते हो यार खाना बनते बनते आधा रह गया, आधी सब्जी रह गई या फिर आधा खाना रह गया, आप क्या करें। तो यहाँ पे इस केस में ये जो सिलेंडर है ये काफी काम के होंगे ट्रांसल्यूसेंट का। तो यहाँ पे क्या है कि विजिबिलिटी जो है सिलेंडर की वो काफी अच्छी रहेगी, मतलब सिलेंडर के अंदर कितना गैस बचा है, कितना यूज हो रहा है, वो आपके आंखों के सामने रहेगा, आप उसमें देख सकते हो कि वो लेयर धीरे धीरे नीचे हो रही है। तो भैया ये यहाँ पे इसकी 3 USP है, मतलब कि पहला कि एंटी कोरोजन है, ट्रांसल्यूसेंट है और उसके साथ ही यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन चीज आती है इसके अंदर। उसके साथ बात करें यहाँ पे फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी की, तो फिर ये काफी मजबूत है। तो ये थे यहाँ पे एचपी की तरफ से आने वाले नए सिलेंडर, मतलब अब आपके घर के अंदर कुछ रंग बिरंगी चीजें आएंगी, वो भारी भरकम भद्दे से बड़े बड़े लोहे के सिलेंडर, लोहे के डब्बे नहीं आने वाले, अब ये प्यारे प्यारे मल्टी कलर के सिलेंडर आपके घर में आएंगे। और बात करें यहाँ पे कॉस्टिंग की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार इसका प्राइस अलग से पे करना होगा, तो हाँ पे करना होगा। इसके लिए करना क्या होगा कि आपके जो पुराने सिलेंडर है वो आपको जमा करना होगा एचपी के साथ, और इसके साथ आपको 1000 रुपये एड ऑन देना होगा। 1000 रुपये देते ही आपका पुराना सिलेंडर सबमिट हो जाएगा और नए सिलेंडर, ये मल्टी कलर सिलेंडर विद एक्स्ट्रा सेफ्टी, एक्स्ट्रा फीचर्स आपके घर में दे दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर ये वीडियो कमाल की लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ये सिलेंडर वाली वीडियो सारे अपने अंकल आंटियों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि उनके ही काम की चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहाँ पे करते खत्म, आगे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।